अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक और रेसिपी लाई हूँ। तो रेसिपी देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस। जो आप बेकरी से केक रस लाते हैं वो आप अब अपने घर में बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी हैं और बिल्कुल जल्दी बन जाते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो अगर आप इनको अपने घर में बना के रख लें, शाम की चाय के लिए भी बना के रख सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप अपने लिए घर में बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलें जी, मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ, साथ में चीज़ें दिखाऊंगी और साथ में बनाऊंगी जी। तो मैं किचन में पहुँच चुकी हूँ। केक रस बनाने के लिए 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, 1 सशे बेकिंग पाउडर, 200 ग्राम मैंने बटर ले लिया है, 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है। मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास वाइट नहीं थे, तो मैंने ब्राउन का इस्तेमाल किया। तो अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो एक बिल्कुल एक चुटकी के करीब आपको ये चाहिए येलो कलर, जो आप फूड फूड कलर भी कुछ लोग कहते हैं इसको, तो वो ले लें आप इसके लिए। और 2 से 3 ड्रॉप आपको वनीला एसेंस के चाहिए होंगे। और साथ ही आपको एक केक पैन चाहिए, उसमें आप बटर लगा के या बटर पेपर लगा के आप एक साइड पे इसको रख लें। अब मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैं अंडे तोड़ के इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैंने अंडे तोड़ के रख लिए, अब मैं इनको रख दूंगी साइड पे। अब मैंने एक और बॉल ले लिया है जिसमें मैं डाल दूंगी बटर, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें ब्राउन शुगर, और इसे मैं अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। ये देखें जी, बटर और चीनी को मैंने बीट कर लिया अच्छे से। अब मैंने जो अंडे रखे हुए थे साइड पे, इसमें मैंने एक एक अंडा डालना है। एक एक करके आपने अंडा डालते जाना और ऊपर से अपने इसको बीट करते जाना है। अब मैंने लास्ट वाला अंडा जो है वो भी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये देखें जी, अंडे बटर और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस 2 ड्रॉप डालूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालती जाऊंगी इस तरह से। और इसके साथ ही मैं जो बेकिंग पाउडर रखा हुआ वो सारा सा शामिल कर दूंगी। अब आपने ये येलो जो कलर आपने रखा हुआ है वो थोड़ा सा शामिल कर देंगे इसमें। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी, केक रस का बैटर बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको केक पैन में शिफ्ट करना है और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसको प्री हीट कर लें तो उसमें आप बना सकते हैं ईजीली। ये देखें जी, केक पैन मैंने इस तरह से पहले मैंने बैटर पेपर लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा बैटर लगा कर मैंने मैदे से डस्ट करके इसको मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब मैंने इसमें सारा बैटर जो है वो इसमें शिफ्ट करना है। ये देखें जी, बैटर पेपर मैंने इसमें डाल के इसको सब तैयार कर लिया। अब मैंने इसको कवर करना है और मैंने फाइल से और कवर करके इसको मैंने ओवन में रखना है आधे घंटे के लिए। ये देखें जी, मैंने इसको ओवन में रख दिया है आधे घंटे के लिए। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। देखिए जी, इसको आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, अब मैं इसे चेक करूँगी। देखो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए केक पैन को मैंने इधर से थोड़ा सा इसको लूज़ कर लिया है। इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इसका बैटर पेपर जो है वो उतार लूँगी। ये देखें, ये अब अपने दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से ठंडे होने के लिए छोड़ देना 5 मिनट के लिए। ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके पीस काट लूँगी। ये देखें, मैंने इस साइड से इस तरह से इसके पीसेस काट लिए हैं। तो अब मैं इस साइड से इसके पीस काट लूँगी। देखें, इस तरह से मैंने इसके पीस बना के
ये जो ओवन के अंदर एक जाली होती है उसके ऊपर मैंने हारमोनियम पेपर लगा के इसको इसके ऊपर रख दिया। ओवन मेरा प्रीहीट है, उसके अंदर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। मैं इसे ओवन में रखने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इनको 10 मिनट के लिए ओवन में रख दिया। अब मैं ओवन बंद कर दूँ। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इनको 10 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखिए जी केक रस बन के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने एक डिश में रख लिए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप लोग बनाएंगे तो भी आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और जो लोग कमेंट्स करते हैं उनको थैंक यू, और जो लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं उनको भी थैंक यू। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।